क्या आप मोशन मूवीज के दीवाने हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे डरावने और रहस्यमयी मोशन मूवीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके होश उड़ा देंगे और आपको अपनी कुर्सी की पेटी पर चिपकाए रहेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे सफर मोशन मूवीज की दुनिया में। हमारी लिस्ट में नंबर 5 की मूवी है 2016 में आई वारक्राफ्ट, जो कि एक एक्शन फैंटेसी मूवी है और ये मूवी एक वीडियो गेम पर बेस्ड है, जिससे यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वीडियो गेम मूवी बन गई है। इसकी स्टोरी में हमें उस स्ट्रगल के बारे में दिखाया गया है जो विशाल ऑर्क्स और मानव के बीच होता है। इन ऑर्क्स ने किसी कारणों से अपना घर को खो दिया है, इसलिए उन्हें किसी दूसरे जगह पर जाना पड़ रहा है जहां इंसान बसे होते हैं। और ये ऑर्क्स हरे रंग के दिखते हैं, जिनकी साइज एक्शन के हल्क के जैसा होता है। यहां इंसानों और ऑर्क्स को एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है, क्योंकि इंसानी राजा नहीं चाहता था कि ये सारे मॉन्स्टर उसके राज्य पर आए। और ऑर्क्स का नेता जहां भी जाता है वह उन सभी जगहों को नुकसान ही पहुंचाता है। इसके अलावा हम देखते हैं ऑर्क्स का नेता ह्यूमन के साथ समझौता करता है और अपने सभी संकीर्ण नेताओं के खिलाफ विद्रोह करता है। तो आगे की कहानी में जो कुछ भी होता है वो सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। इसे IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी आई फ्रैंकस्टाइन 2014 में आई। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है जब विक्टर फ्रैंकस्टाइन एक मरे हुए मॉन्स्टर को जिंदा करते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ये मॉन्स्टर बाकियों से अलग है। इस मॉन्स्टर को एडम नाम दिया जाता है और ये बहुत ही पावरफुल और अमर जीव होता है जो अपनी पहचान की तलाश में होता है। लेकिन एडम को जल्द ही पता चलता है कि ये दुनिया उसके लिए खतरनाक है। उसे पता चलता है कि ये एक आंतरिक संगठन है जहां पर गार्गोयल्स जो लोगों की रक्षा करते हैं। पर उसी समय डेमन के बीच एक भारी युद्ध चल रहा होता है। एडम इस युद्ध में फंस जाता है और उसका साथ देने वाला केवल गार्गोयल की रानी लियोनोर होती है। एडम अपनी अजीब पहचान के बावजूद एक शक्तिशाली फाइटर बनता है और डेमन्स के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है। उससे समझने की कोशिश होती है कि इंसानियत और मॉन्स्टर के बीच में एक नई पहचान क्या हो सकती है। अब क्या मॉन्स्टर गार्गोयल्स के साथ मिलकर इन सभी मॉन्स्टर को रोक पाता है या नहीं, ये सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी में आपको बहुत सारे डेमन्स मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। इसे IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी लव एंड मॉन्स्टर। ये मूवी आई थी साल 2020 में। एक कॉमेडी एपोकलिप्टिक मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया कि 7 साल बीत चुके हैं और बहुत सारे जेंट मॉन्स्टर अर्थ पर कब्जा कर लिए हैं और जितने भी इंसान जिंदा है वो सभी के सभी अंडरग्राउंड में छिपकर रह रहे हैं इन खतरनाक मॉन्स्टर से। तभी इस मूवी की कहानी फोकस करती है एक लड़का जिसका नाम जोएल रहता है, जो निकलता है एक जर्नी में अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जो कि दूसरे कॉलोनी में रहती है। तो अब इस जर्नी के दौरान उसको कौन कौन से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और वो कौन कौन से मॉन्स्टर का सामना करता है और क्या वो लास्ट तक अपनी मंजिल पर यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ पाता है या नहीं, ये सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। इसे IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और आप इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर हिंदी में देख सकते हैं, जिसका लिंक हमारे इंस्टाग्राम के बायो में है। और साथ ही साथ आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर इंग्लिश में देख सकते हैं। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है 2004 में आई वैन हेलसिंग। ये एक हॉरर फैंटेसी फिल्म है। मूवी की स्टोरी फोकस करती है वैन हेलसिंग पर, जो एक मिस्टीरियस और पावरफुल मॉन्स्टर हंटर है जिसके पास अनोखी कलाएं होती है और वो भयानक राक्षसों और क्रिएचर्स को हराने की दमखम रखता है। लेकिन तभी उसे एक मिशन मिलता है जिसमें उसे ड्रैकुला के बादशाह को मारना होता है, जो ट्रांसिल्वेनिया के एक भयानक गाँव में बसा हुआ है। वैन हेलसिंग निकल जाता है उस ड्रैकुला को मारने के लिए, लेकिन रास्ते में वहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की एना वेलेरिया से मुलाकात होती है। एना की पूरी फैमिली उस ड्रैकुला के शैतानी ताकतों से मारी जा चुकी होती है, इसलिए वो भी वैन हेलसिंग की मदद करना चाहती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैन हेलसिंग और एना ड्रैकुला के खतरनाक साजिशों और मॉन्स्टर से लड़ाई लड़ते हैं। ड्रैकुला की शक्तियां और वैन हेलसिंग की सुपरनेचुरल एबिलिटी के बीच में एक संग्राम होता है, जिसमें वैन हेलसिंग ड्रैकुला को हराने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। क्या वैन हेलसिंग अपने मिशन में कामयाब हो पाता है और ड्रैकुला को रोक पाता है या नहीं, या फिर वो भी मॉन्स्टरों की लिस्ट में शामिल हो जाता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इसे IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारी नंबर 1 की मूवी है रैम्पेज 2018 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक प्रीमाटोलॉजी से, जिसका नाम डेविस ओकोई रहता है, जो एक एक्स स्पेशल फोर्स सोल्जर्स होता है जो एक गोरिल्ला को पालता है जिसे उसने एक जंग के समय बचाया था। असल में उस गोरिल्ला का नाम जॉर्ज होता है, जो कि एक बहुत ही प्यारा और शानदार गोरिल्ला होता है जो डेविस का एक अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन एक दिन एक इलीगल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होता है, जिसके कारण एक स्पेस स्टेशन में होने वाले हादसे में कुछ कंटेनर्स स्पेस में गिर जाती है। उस कंटेनर में एक बहुत खतरनाक पाइथोजेन वायरस रहता है, जो किसी भी जानवर को जहरीला और विशाल बना सकता है। जॉर्ज भी उस पाइथोजेन वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और उसका व्यवहार कुछ अजीब होने लगता है। उस वायरस के असर से जॉर्ज का साइज बढ़ने लगता है और वो एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और वो इंसानों पर अटैक करने लगता है। जॉर्ज के साथ साथ और भी कई जानवर उस वायरस के शिकार हो जाते हैं और वो सभी जायंट मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। तो ऐसे में उनको एक एंटीडोट के बारे में पता चलता है, जिससे ये सभी जानवर पहले जैसे ठीक हो सकते हैं। तो क्या डेविस ओकोई उन सभी जायंट मॉन्स्टर से अपने शहर
को बचा पाता है या नहीं, वो सब आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी में आपको नेक्स्ट लेवल का VFX एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसे IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। सो गाइस, ये हमारे टॉप 5 जैन मॉन्स्टर मूवीज की लिस्ट थी। आशा करते हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।